हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होप आप बहुत अच्छे होंगे अपने घर पे और वीडियो को लाइक शेयर कर रहे हैं ना। वह बहुत अच्छे। ओके, नरेशन हमारा चल रहा था। अब तक हमने कर लिया था असर्टिव सेंटेंसेस, नेगेटिव भी कर लिए थे उसमें। देन कल हमने किया था, या लास्ट वीडियो हम कह सकते हैं, लास्ट वीडियो में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमने किए थे, ठीक है? ये हमने कर लिए थे अब तक। ओके, आज हम करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। भाई इंपेरेटिव, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखा है, पहले भी पढ़ा है इंपेरेटिव के बारे में, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो शो करते हैं कोई भी ऑर्डर, कोई भी रिक्वेस्ट, एडवाइस एक्सेट्रा। ये सभी क्या भाई? कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है, कोई कमांड कर रहा है, कोई प्रोहिबिशन है कहीं पर, तो वो चीजें, ये सारी की सारी चीजें हमारी इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आती हैं। जैसे सिट हियर, शट द डोर। आज हम सभी इन चीजों के बारे में, ये जो है, अगर यहां पर कोई लिखा जाए शी सैड, इन्वर्टेड कॉमास और ऐसे ऐसे, ये अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, वो सभी कुछ हम पढ़ने वाले हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहां पर हम करेंगे क्या, ऑर्डर है, सोचेंगे, ध्यान देंगे, हमारी कॉमन सेंस की बात है ये, हमें सबसे पहले तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए। सिट हियर का मतलब यहां बैठो, ठीक है। शट द डोर, भाई दरवाजा बंद कर दो, तो वो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, किसी को एडवाइस दी जा रही है या कमांड दी जा रही है या प्रोहिबिशन है, वहां पर जाना मना है, तो इस तरह का कोई हम देखते हैं ना, कहीं बैंक वगैरह में या कोई ऐसी बिल्डिंग है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, वहां पर लिखा होता है डू नॉट स्मोक, डू नॉट हॉन्क, तो ये ऐसी ऐसी चीजें, वो भी क्या है, प्रोहिबिशन है, ऐसा करना मना है, अदरवाइज कुछ कार्रवाई की जा सकती है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ये सब कुछ आते हैं और वहां पर हमें देखना होगा, वहां पर हमें समझना होगा कि वो कोई ऑर्डर दे रहा है, ये सेंटेंस, इस सेंटेंस से ऑर्डर मिल रहा है क्या, इस सेंटेंस में ये कोई रिक्वेस्ट शो कर रहा है या एडवाइस शो कर रहा है या फिर और कुछ भी। तो शुरू करते हैं चलो, और इसकी जो कनेक्टिविटी है कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, आज हम कर रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल में द टीचर सेड शट द डोर, द टीचर सेड शट द डोर, ठीक है। द टीचर सेड, अब भाई सीधी सी बात है, सैड तो आएगा नहीं, टीचर ना, टीचर ने कहा, टीचर कह रहा है, क्लास में खड़ा है टीचर, कि टीचर कह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ऑर्डर दे रहा है बच्चों को, ऑर्डर दे रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, सैड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑर्डर्ड, ठीक है। सैड की जगह क्या आ गया हमारा, ऑर्डर्ड टू, किस चीज के लिए ऑर्डर दिया उसने, टू शट द डोर, ठीक है। अगर यहां पर सैड टू राम आ जाता तो द टीचर ऑर्डर्ड राम टू शट द डोर। अब एक और बात ध्यान रखें, जब भी कोई हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें टू शट हम कह सकते हैं, इनफाइनाइट कह लो या नॉन फाइनाइट भी कह सकते हैं, इनफाइनाइट वर्ब हमारी आती है, हम इसको और क्या कह सकते हैं, नॉन फाइनाइट, ठीक है।
ये कौन सी वर्ब्स होती हैं? ये वो वर्ब्स होती हैं जो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज नहीं होती। मैंने कहा ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, या कोई वर्ब है या सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, चेंज नहीं होती। ओके, तो टीचर ने ऑर्डर दिया राम को टू शट द डोर। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आई होप समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द पैसेंजर सेड टू मी, प्लीज गेट असाइड। ठीक है, पैसेंजर ने कहा मुझसे, क्या कहा? प्लीज गेट असाइड, प्लीज थोड़ा सा साइड हो जाओ भाई। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था और वहां पे पैसेंजर मिला मुझे, एक आया दरवाजे में चढ़ा और प्लीज थोड़ा सा साइड हो जाइए। तो मैं अब उसकी बात अपने दोस्त को कैसे बताऊंगा, आप लोगों को कैसे बताऊंगा, कैसे कहूंगा? सबसे पहले मैंने ये देखा, ये हमारा क्या है, ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो सेट टू आएगा या नहीं? सेट टू तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा? द पैसेंजर, अब वो प्लीज की बात कर रहा है भाई, रिक्वेस्ट कर रहा है यहां पे ना, है रिक्वेस्टेड किससे की? मुझसे की। द पैसेंजर रिक्वेस्टेड मी, किस चीज के लिए? टू गेट अ साइड। हो गया, बस है ना सिंपल। सिर्फ और सिर्फ हमें यह पता करना है कि भाई वो कोई ऑर्डर है, वो कोई रिक्वेस्ट है, या वो कोई सलाह दी जा रही है। एक एडवाइस का और करके देखते हैं। द डॉक्टर सैड, डॉक्टर सैड क्या कहा? यू शुड गो फॉर अ वॉक डेली, यू शुड गो फॉर अ वॉक डेली। भाई शुड आ रहा है, क्या एडवाइस दी है? बिल्कुल। तो हम क्या लिखेंगे? द डॉक्टर एडवाइज्ड, किसको एडवाइस दी? भाई यू, सामने मेरे सामने डॉक्टर है और वो डॉक्टर मुझे ही तो कह रहा है यू। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा? द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गो फॉर अ वॉक डेली। गॉट इट, है ना सिंपल। ठीक है, हमें बस ये पता करना है कि ये सेंटेंस हमारा भाई रिक्वेस्ट में है, ऑर्डर में है, या भाई एडवाइस दे रहा है। बस हो गया हमारा इंपेरेटिव, सिंपल सा है बहुत। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी क्या होते हैं? अरे हमने पढ़े तो थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। हाँ बिल्कुल पढ़े थे, है ना? यस, सडन फीलिंग्स, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो शो करते हैं, शोज सडन फीलिंग्स। ठीक है, एकदम से जो फीलिंग आती है। अब मुझे पता लगा भाई मेरे दोस्त के ना पापा मर गए। ओ सो सैड, अलास चुद, अलास। ठीक है, हुर्रे, ये तो अब बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया है, तो हुर्रे। ठीक है, ओ व्हाट, व्हाट अ, ठीक है करते ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। तो ये ऐसे ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें, वो हमारे सारे एक्सक्लामेटरी में काउंट हो जाते हैं। चलो देखते हैं
मोहन सैड, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन सैड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच. मोहन सैड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच. ठीक है, तो यहां से पता लग रहा है कि वो खुश है. हुर्रे, वो खुश है, बड़ा खुश है. अगर एक्सक्लेमेटरी साइन भी आ रहा है तो हम याद हमेशा याद रखें, जैसे भी जब भी ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंसेस आते हैं, तो हम हमेशा लिखते हैं मोहन सेट तो आएगा ही नहीं, सेट तो आएगा नहीं. मोहन भाई, एक्सक्लेमेशन आई है तो एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड हो गया, वो बड़ा ही भोचक सडन फीलिंग आई उसमें एकदम से. एक्सक्लेम्ड विद, भाई किस चीज की एक्सक्लेमेशन हुई, उसको दुख हुआ या खुशी हुई, यहां से तो खुशी पता लग रही है. तो एक मोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय. गॉट इट, इतना समझ में आया. हुर्रे से हमें पता लगा कि वो खुश है, खुश है तो हम क्या लिखेंगे, मोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय. ठीक है, अब ये बात आ रही है, अब हम इसको बनाने जा रहे हैं, अब इसको बनाने जा रहे हैं असर्टिव में. असर्टिव में याद है आपको, असर्टिव में हम यूज करते थे दैट का किस चीज के लिए, वर्ब और जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच थी, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दोनों को जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करते थे. हमने नेगेटिव में नहीं किया, हमने इंपेरेटिव में नहीं किया, हमने सिर्फ असर्टिव में किया था, या फिर हम करेंगे एक्सक्लामेटरी में. याद रखें, मोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वी कौन है यहां पर भाई, मोहन अपनी तो बात कर रहा है, मोहन और उसके दोस्त, तो फिर दैट दे had won the match. Have का क्या बन गया, have का had बन गया. ठीक है, हमें पता है ये तो हमारा past, present perfect है, और present perfect का past perfect बन गया, तो have का had बन गया. Got it. एक और example लेते हैं और अच्छे से clear हो जाएगा आपको. She sad, she sad, क्या alas, alas my grandma is no more. क्या कहा उसने, कहा alas, बड़े दुख की बात है कि मेरी दादी माँ है ना, अब नहीं रही. यहां से क्या पता लग रहा है, यहां से पता लग रहा है कि वो अब बेचारी दुखी है. तो हम क्या क्या लिखें, शी एक्सक्लेम्ड. एक्सक्लेम्ड का कैसे पता लगा, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ये शो कर एक्सक्लेमेशन, एकदम से उसको एकदम से सडन फीलिंग आई, अलॉस, बड़े दुख की बात है. सॉरी, शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो. सोरो कह लो या ग्रीफ कह लो, दोनों का मतलब दुखी होता है भाई. वो उसको एक्सक्लेमेशन आई उसके अंदर से, एकदम से सडन फीलिंग आई किस चीज की भाई, दुख की आई. ठीक है, ग्रीफ की या सोरो की आई, दैट माय ग्रैंडमा, नो हर ग्रैंडमा, हर ग्रैंडमा इज का क्या हो जाएगा, was no more. Got it? आया समझ में, इजी है बिल्कुल, बेशक आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं. एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर, और साथ साथ वीडियो को शेयर करते रहें ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी अच्छे से उसको देख सकें, उसको अच्छे से सीख सकें नरेशन को. काफी बच्चों की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, रहती है इसमें नरेशन में. मिसलिनियस एक्सरसाइज करते हैं एक. मैंने कहा द टीचर सैड टू द
स्टूडेंट्स ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, ठीक है। अच्छा, एक लिखा मैंने शी सैड व्हाट आर ब्यूटिफुल सीन। चलो ये दोनों को देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने कहा बच्चों को ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। कौन सा सेंटेंस लग रहा है? ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है सर, इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव में क्या करते हैं हम, क्या करते हैं याद कीजिए, द टीचर सैड आएगा नहीं, द टीचर तो बच्चों को एडवाइस दे रहा है कि भाई सच बोलना चाहिए हमेशा। द टीचर एडवाइज्ड किसको? द स्टूडेंट्स द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया? हाँ बिल्कुल इजी है, सैड की जगह सिर्फ एडवाइस आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है टीचर के द्वारा, ठीक है। एडवाइस द स्टूडेंट्स टू ऑलवेज, एडवाइस द स्टूडेंट्स ऑलवेज टू स्पीक ट्रुथ। गॉट इट? इजी है बिल्कुल, ठीक है। हमेशा याद रखें इनफाइनाइट वर्ब मैंने बताया था जो कि नॉन फाइनाइट है वो जरूर आएगी इंपेरेटिव में। इंपेरेटिव में भाई टू के बाद स्पीक आ रहा है, ये ऐसा वर्ड है जिस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वेदर द सब्जेक्ट इज प्लूरल और सिंगुलर, वेदर द वर्ब इज व्हाटसोएवर, जो भी है उसके साथ में कोई भी वर्ब है, एडवाइज आ रहा है या एडवाइजिंग आ रहा है या विल एडवाइज आ रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये सेम रहेगी, ठीक है। यहां पर स्टूडेंट्स हैं, यहां पर स्टूडेंट है, वो सेम रहेगी, देयर विल बी नो मैटर एट ऑल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। शी सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है एक्सक्लेमेशन है, तो हम क्या लिखेंगे, शी एक्सक्लेम्ड, आश्चर्य हुआ उसको, शी एक्सक्लेम्ड वाओ, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक और बात है हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई वो एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, व्हाट इज दिस, तो अच्छा ये तो इंपेरेटिव में था कि भाई ये दुख हो रहा है उसको, खुशी हो रही है, ठीक है, तो हम क्या लिखें, शी एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, दैट इट वॉज अ ब्यूटिफुल सीन, बस सिंपल, इट नहीं आएगा यहां पे, दैट आएगा, दैट वॉज अ ब्यूटिफुल सीन, क्यों? क्योंकि इस इट का मतलब ये, इट का मतलब क्या है, ये वाला है, लेकिन दैट का मतलब वो, तो हम दैट की बात कर रहे हैं यहां पर, ये तो पास की बात है ना, वो वाला सीन था, ठीक है, ये वाला सीन नहीं है, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने दैट इसलिए लगाया यहां पर क्योंकि सॉरी ये जो दैट है ना वो शो कर रहा है वो, तो वो वाला जो सीन था ना जो हमने पास्ट में देखा था, ये तो पास्ट की बात हो रही है, लेकिन अगर हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखेंगे तो ये फ्यूचर है ना, सॉरी ये प्रेजेंट है, सॉरी फॉर दैट, ये प्रेजेंट है, और प्रेजेंट को जैसे ही हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वैसी बात है वो पास्ट में चला जाएगा, इसलिए मैंने यहां पर दैट लगाया। गॉट इट? तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट जो है वो हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं, और जो एक और वीडियो बनेगी नरेशन को लेके, उसमें हम कंप्लीट
ए टू जेड शुरू से लास्ट तक एक ही वीडियो में सारा का सारा कवर करेंगे, लेकिन वो हमारा थोड़ा सा जल्दी जल्दी रहेगा, फास्ट फॉरवर्ड रहेगा। जल्दी ही लेकर आऊंगा मैं आपके लिए वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो जो है एक नए टॉपिक के साथ जल्द ही मिलते हैं आपके, ठीक है। और जो बच्चे यहाँ पर नए हैं, जो स्टूडेंट्स नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो, अगर फिर भी, और हाँ अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें मुझसे, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। डेफिनेटली आज आई थिंक ये फिफ्थ पार्ट है हमारा नरेशन का, और ये 5 के 5 पार्ट्स अगर आप क्लियर अच्छे से कर लेते हैं तो नो डाउट आप कहीं पे भी मार नहीं खाएंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।